महापौर चुनाव के रिजल्ट आने के बाद इंदौर विधानसभा क्षेत्र नंबर 1 के विधायक संजय शुक्ला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। मैं विधानसभा क्षेत्र नंबर 1 से विधायक हूं। नगर निगम चुनाव में अपने ही वार्ड में हार गया। मंथन करूंगा, आखिर गलती क्या हुई। अच्छा है, मुझे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मेरी गलती सुधारने का मौका मिल गया। इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। मेरे से कोई गलती हुई होगी ये उसका मेरा सबक है, तो इसलिए मैं अपनी विधानसभा को सुधारने का मुझे मौका मिला, क्योंकि ये मौका मुझे बाद में मिलता 2023 के अंदर तो मैं सुधर नहीं पाता और मैं हार जाता। परंतु आज मुझे मेरी जनता ने सिखा दिया है कि मैं मेरे परिवार ने कि आपने क्या गलती करी, हम बैठ के मेरी विधानसभा में क्या गलती हुई है उसको सुधारेंगे और आगे बढ़ेंगे और 2023 में तो मैं हमारे छोटे भाई उनको बधाई दूंगा। उनको जहाँ मेरा सहयोग लगेगा मैं करने को तैयार हूँ, और जहाँ उनने गलत करा तो उसका विरोध भी मैं खुल के करूँगा, क्योंकि मेरे को भी जनता ने मुझे वोट दिया। वैसे भी विधायक हूँ, वो इंदौर शहर मेरा अपना शहर है, तो मैं उसको लड़ता रहूँगा। मेरा सपनों का शहर नहीं है, लोगों ने झूठ बोलकर ये करके सपनों का शहर बनाया हुआ है। परंतु उन्होंने क्या करा ये तो जनता बताएगी, परंतु 2023 के अंदर कभी एक साल में कुछ नहीं करा तो इंदौर से अंदर भारतीय जनता पार्टी सुपड़ा साफ हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।